इमेजिन तुम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हो और एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करते हो। एक न्यू वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तुम लोग नॉर्मल एक सीड डालते हो और उस वर्ल्ड को क्रिएट कर देते हो, लेकिन जैसे वो वर्ल्ड क्रिएट होता है तुम्हारा पूरा पीसी हैंग होने लग जाता है। बस पूरे पीसी में लैग होना स्टार्ट हो जाता है और एकदम से तुम्हारा पूरा पीसी करप्ट हो जाता है और उसके बाद एक अननोन वायरस आता है और तुम्हें अपना पूरा पीसी उठा के रिपेयर करवाना पड़ता। तो ऐसा क्या था उस माइनक्राफ्ट की वीडियो में जो माइनक्राफ्ट चाहता है हमें कभी भी पता नहीं लगे, हम लोग जानने वाले हैं आज की इस वाली वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जो कि सीक्रेट मिस्ट्री से भरा पड़ा है और उन्हीं में से एक सीक्रेट मिस्ट्री है सीक्रेट रूम्स के बारे में। हाँ, इन रूम्स के मिलने का चांस 0.003% होता है जो कि एक नॉर्मल प्लेयर को तो कभी भी नहीं मिल सकते। और इन रूम्स के अंदर ऐसा होता क्या है जो माइनक्राफ्ट हमसे छुपा के रखता है, लेट्स फाइंड आउट। ओके गाइस, तो अकॉर्डिंग टू दिस मिथ मुझे आना था इस वाले वर्ल्ड में और उसके बाद मुझे खुद को इस वाले विलेज के अंदर टीपी कर लेना था। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो और जिसके मन में चुल हो वो ट्राई भी कर सकता है। ओके सो अभी हम लोग इस विलेज में आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या है, नॉर्मल सा तो विलेज है, यहाँ पे नॉर्मल सब कुछ, नॉर्मल से घर वगैरह है। बट भाई यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये विलेज बस ऊपर ऊपर से नॉर्मल है। क्योंकि आप लोगों को ये कुआं दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा होगा, ये इतना ज्यादा हॉन्टेड है ना आप लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बस एक कुआ है वो भी बहुत ज्यादा गहरा। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी इस कुएं के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ और आप लोग पूरा हैरान होने वाले हो कि इसके अंदर है क्या। बट उससे पहले भाई यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जंप करते हैं इस वेल के अंदर। ओके भाई, ओके सो अभी हम लोग आ चुके हैं इस वेल के अंदर और रुको यार, सबसे पहले तो ये वाला पानी रोकना पड़ेगा। आई गेस अभी हाँ पानी रुक चुका है। ओके सो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आपको चार रास्ते दिख रहे होंगे, वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कुछ भी नहीं दिख रहा, सेम ऐसे यहाँ पे भाई ये दो साइड पे आपको कुछ नहीं दिखेगा और इस वाली साइड पे देखो भाई पूरा लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करेंगे इतना सारा डायमंड जो कि एक व्यक्ति भाई हाथ से लगाना तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये हाथ से लगाया है, तो आप लोग जाके भाई ये वाला जल्दी से ट्राई करो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा मैंने ये हाथ से लगाया या फिर ये ऐसे ही है इसके अंदर। सो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से हम लोग चूज करते हैं कौन सी साइड जाएं। भाई मैं पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ मुझे कौन सी साइड जाना चाहिए। सो अभी सबसे पहले इसी वाली साइड चलते हैं, वहाँ पे मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है, आई थिंक मुझे वहाँ का बैरियर दिखाई दे रहा है। बट हम लोग याद रखने के लिए यहाँ पे ओके इन वाले ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पे ये लगा देंगे जिससे हमें याद आता रहेगा कि भाई लोग हम यहाँ से गए थे। ओके सो चलते हैं सबसे पहले, जल्दी चलो 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 चलो, यहाँ पे देखना मुझे है यहाँ पे है क्या भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सीक्रेट रूम है और ऐसे ऐसे यहाँ पे तीन और हैं। लेकिन भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, एक सेकेंड भाई ये तो शायद मेरे साथ गंदा स्कैम हो गया यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। चलो चलो
ओ भाई, वेट अ सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे डायमंड, ओ एक ही लेयर है बस। चलो कोई बात नहीं, अगर भाई यार गाइस गेस करो, अगर ये मैं कोई बंदा ये पूरा डायमंड निकाल लेगा तो लिटरली वो माइनक्राफ्ट के अंदर बिना ग्राइंड करे डायमंड का कैसल तक बना सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा भाई, ऐसे नॉर्मली तो कोई भी नहीं बना सकता। तो ओके, यहाँ पे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा या इन्हें भी तोड़ के देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मैं थोड़ा ऊपर जाके देखूँगा ऊपर। ओ भाई, ऊपर की तरफ आई थिंक कोई ओशियन है। ओ यहाँ पे ऊपर की तरफ पूरा ओशियन है। चलो चलो चलो, जल्दी नीचे चलते हो भाई। एक सेकंड, यहाँ तक डायमंड आ रखे हैं। ओ ओ ओ ओ, चलो 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 नीचे चलो। लेकिन वहां पे डायमंड कैसे आई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां पे डायमंड कैसे आ सकते हैं भाई। सबसे पहले ये फव्वारा बंद करो भाई, क्योंकि पानी से एलर्जी है भाई यार। चलो कोई बात नहीं भाई, असली पानी से एलर्जी नहीं है, माइनक्राफ्ट के पानी से एलर्जी है। क्या मतलब भाई, रोज नहाता हूँ मैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ओके, तो अभी यहाँ से बाहर जाने का मन तो नहीं कर रहा भाई, क्योंकि पूरा डायमंड ही डायमंड। अगर मुझे ऐसे कोई बोल देना कि इतना बड़ा डायमंड का जगह बनानी है, पूरी गुफा कैनल ही लगा लो, ये एक माइनक्राफ्ट हमसे छुपा के रखता है। सो जल्दी से हम लोग चलते हैं। Okay, so अभी सब कुछ रेडी है, मैंने क्रिएटिव से टॉर्च भी निकाल लिया है। सो पहले पहले इस वाली साइड चलते हैं जल्दी से। वैसे मैंने एक बार तो देख लिया है, लेकिन भाई मेरे मन की क्यूरियोसिटी नहीं जा रही, क्योंकि ऐसा है क्या इस वर्ल्ड के अंदर जो भाई माइनक्राफ्ट मेरे पीसी के फुटेज तक डिलीट करवा रहा है। कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे एक चमगादड़ भी है, और अगर हो सके तो ये वाली वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। सो आराम आराम से चलते हैं नीचे भाई। आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा हो क्या सकता है। ओके ओके ओके, अभी वहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है वहाँ पर ये गुफा ख़त्म हो रही है। सो जल्दी से चलते हैं टॉर्च लगा लगा कर। ओके ओके ओके, ओ यहाँ पे दो दो जगह जा रही है। एक सेकंड, थोड़ा देख के आते हैं ये कहाँ पे जा रहा है। ओ ओ नहीं 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 भाई, वो जगह घूम गई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसे ढूंढना। आप लोगों को तो पता ही है मैं कितना कच्चा प्लेयर हूँ माइनक्राफ्ट का। ओके ओके, सो अभी आ चुकी है यहाँ पे। और भाई पहले की तरह यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं। और ओके, सो ये वाली वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो वहाँ पे दोनों रास्तों में से क्या था, वहाँ पे मैं भूल चुका हूँ। सबसे पहले इस साइड देखते हैं। वेट, वट 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 वट, रुको 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 रुको, वहाँ पे कुछ तो है, वहाँ पे कुछ तो है जो लेट के मुझे दिख रहा है। रुको, वहाँ पे मुझे कुछ तो दिखा है। वेट वेट वेट, आराम से, वहाँ पे ऐसा लग रहा है 6-7 लोग खड़े हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो इस साइड चलते हैं सबसे पहले भाग के। ओके ओ, रन 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 रन, ओके भागो भागो भागो। वहाँ पे अभी देखो, वहाँ पे ऐसा लग रहा है 2-3 लोग खड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वेट वेट अ सेकंड, हेलो हेलो, यहाँ पे कितने सारे डोर लगा रखे हैं, और यहाँ पे मैं पहले आया था इसलिए आधी डोर ओपन है। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। और उस साइड कुछ तो अजीब सा था देखने के लिए, वहाँ पे एक रास्ता जा रहा है। ओ
भाई आई डोंट नो, यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह होता होगा इसमें, इसका यूज हुआ होगा। यहाँ पे काफी सारे टोर्स लगा देते भाई ताकि डर ना लगे थोड़ा। अभी जल्दी से चलते हैं भाई और बिना टाइम वेस्ट की दौड़ के। ओके 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 ओके, सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अभी जल्दी से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये चलो 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 भाई, वहाँ पे इतना ज्यादा कुछ स्कैरी नहीं था। अभी हम लोग, हमारे पास एक रूम और बचा है जो कि ये वाला है, सो अभी इसके अंदर भी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसे ब्लॉक कर देते भाई, कुछ पता नहीं भाई कोई आके विलेजर्स को मार दे बेचारों को। ओके, यहाँ पे काफी सारी टॉर्च लगी हुई है इसलिए मुझे डरने की काफी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं और भी काफी सारी टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे आना पड़ा तो मुझे यहाँ पे डर नहीं लगेगा। वैसे तो मैं अभी इस वर्ल्ड को डिलीट कर दूंगा क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है ऐसे वर्ल्ड्स के अंदर। और वेट, यहाँ से पानी आ रहा है, कोई यहाँ पे एक टॉर्च लगा देते हैं। ओके, यहाँ से पानी पता नहीं कैसे आ रहा है और एक रास्ता यहाँ की तरफ भी जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी काफी सारी बपूल, कितनी ज्यादा बड़ी गुफा बनी हुई है, चल के देखते हैं थोड़ा। ओ भाई ये भी काफी ज्यादा, नहीं नहीं खत्म होगी, ओ ये गुफा यहीं तक थी, खत्म हो चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, के नीचे जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ से भाई, यहाँ पे कितनी सारी टॉर्चेस लगी हुई है फिर भी कितना ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे देखो। चलो चलो चलो, आराम आराम से चलते हैं। मैं चलते चलते पहुंच चुका हूँ। ओके, ओ भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ लेकिन सबसे पहले ये रख लेते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली भाई यार हम लोगों ने ये दोनों रूम एक्सप्लोर कर लिए हैं और अभी आई होप एडिट करते हुए कोई गड़बड़ नहीं आएगी और मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊंगा। सो आई गेस आज के लिए इतना काफी है। वेट एक सेकंड, मुझे एक सेकंड भाई, वहां पे कुछ तो दिखा था। ओ भाई मुझे लगा यहाँ पे कोई है और अभी एकदम से गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता भाई। इन डायमंड्स को फेंको, ये डायमंड गज्ड है आई थिंक। रुको 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 रुको, ये पूरा फेंक देते हैं भाई यार हम लोग। अबे यार पूरा फेंकने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। नहीं भाई यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे कोई तो एंटिटी है। निकलो निकलो निकलो, यहाँ से निकलते हैं हम लोग भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये पूरा डायमंड हम लोग यहीं पे फेंक देते हैं भाई यार, जल्दी चलते हैं। आई डो नो ये क्या हो रहा है। वेट एक सेकेंड, वहा मेरा जाने का रास्ता था वो कहाँ पे गया। ओ भाई यार मैं यहाँ से जा सकता था, पता नहीं यहाँ पे रास्ता बंद कैसे हो गया। एक सेकेंड ये क्या हो रहा है। वेट वेट वेट, ये मैं सर्वाइवल में कैसे आ गया एकदम से। क्रिएटिव करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैं सर्वाइवल नहीं कर, क्रिएटिव ही नहीं कर पा रहा। तोड़ के यहाँ से मैं नहीं निकल सकता भाई, ये ब्लॉक तोड़। भाई यार मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। आखिरकार वहाँ पे कौन सा एंटिटी था और उस एंटिटी ने मुझे किडनैप क्यों कर लिया, और क्या मैं उस वर्ल्ड के अंदर हमेशा के लिए वहाँ पे फंसा रह जाऊंगा, ये सब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
एपिसोड। आज के लिए आई गेस इतना काफी। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं तो लाइक एम रखते हैं 20 लाइक। अगर इस वीडियो पे 20 लाइक कंप्लीट होते हैं तो मैं अपलोड करूंगा इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। सो आई गेस आज के लिए इतना काफी है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।